हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईआईटी जेम 2021 से जो इकोनॉमिक्स का पेपर ऐड हुआ है उसको लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कंफ्यूज है, जो बीए या बीकॉम करें या फिर बीएससी करें, तो कौन कौन से स्टूडेंट है जो इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम आज आपके एक एक डाउट क्लियर करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले हम बात करते हैं जो आईआईटी जेम 2021 में जो इकोनॉमिक्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इकोनॉमिक्स का पेपर कौन दे सकता है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो वे सभी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए एलिजिबल है जिनके ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स एक मेन सब्जेक्ट है। जो बीए कर रहे हो चाहे बीकॉम कर रहे हो, आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। आप बीए करें तो भी आप एलिजिबल है और आप बीकॉम करें तो भी एलिजिबल है, यदि आपके जो ग्रेजुएशन में बीए या बीकॉम में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, या फिर आप बीएससी करें तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है स्टूडेंट। और दूसरी बात हम करें कि ट्वेल्थ में जो है मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है या नहीं है, तो आईआईटी रुड़की को छोड़ के बाकी सभी में बिना मैथमेटिक्स से भी आप जा सकते हो। अगर आप आईआईटी रुड़की में इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच है जो पहले से चल रही है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें तो ट्वेल्थ में मैथ्स होना भी जरूरी है और ग्रेजुएशन में भी एक मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। बाकी और जो आईआईटीज है एनआईटीज है उनमें आप बिल्कुल जा सकते हो, बीए या बीकॉम वाले स्टूडेंट भी। दूसरी बात करेंगे सर इसमें जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया है, तो अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जनरल या ओबीसी के स्टूडेंट है उनके जो है 55% होने चाहिए, 55% होने चाहिए। अगर आपका सीजीपीए में है तो आपके 6.0 सीजीपीए होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके जो है 50% होने चाहिए। या फिर आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो जेएन के थ्रू, तो आपका जो है जनरल ओबीसी के लिए 60% होने चाहिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 55% होने चाहिए। तो ये डिफरेंट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे मेन कंफ्यूजन यही रहती है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वे सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो बीए बीकॉम करें, लेकिन उनका ग्रेजुएशन में बीए या बीकॉम में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और स्टूडेंट किसी भी प्रकार की करियर के किसी भी फील्ड से अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन क्यूरी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारी टीम से आप संपर्क कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगी, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।